भाजपा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ दी चार्जशीट के बाद अब हर मंडल व जिले से कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बैजनाथ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। धूमल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है व भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई चार्जशीट से कांग्रेस के सभी मंत्री बौखला गए हैं। बैजनाथ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खुलासा किया कि चार्जशीट सौंपने से पहले राज्य सरकार के कई मंत्री व अधिकारी भाजपा से पूछ रहे थे कि उनका नाम चार्जशीट में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रति चार्जशीट में संगीन आरोप सामने आए हैं। धूमल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा टिकटों का आवंटन सर्वे के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का कमल खिलने को बेताब है व बेरोजगार व प्रदेश की जनता विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रही है। विपक्ष नेता ने कहा कि पूर्व में भाजपा का 50 प्लस सीटों का नारा था जो अब 60 प्लस की ओर जा रहा है। विजय में जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी। सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा सारे प्रदेश में उन्हीं लोगों को टिकट मिलेंगे, ज्यादा सीटें जीते और हमारा जो नारा 50 प्लस था अब हम उसको 60 प्लस करना चाहते हैं कि मोदी जी का प्रभाव सात समुद्र पार अमेरिका के चुनाव पे हो सकता है तो हिमाचल में तो बहुत होगा जिसको अपना दूसरा घर मानते हैं। दोषी हुआ जिसने अपने ऊपर लगे हुए दोषों को स्वीकार किया होगा, ठीक है। उनमें सुखघाट बहुत पहले शुरू हो गई थी जब चार्जशीट का हमें भी पता नहीं था कि है क्या, मटेरियल इकट्ठा हो रहा था तब भी कांग्रेस के नेता और अधिकारी फोन कर करके पूछ रहे थे कि मेरा नाम तो चार्जशीट में नहीं है। क्या क्या चार्जशीट में है, इसलिए चिंता इनकी स्वाभाविक थी, है। आरोप बहुत गंभीर हैं और मटेरियल मिलने का सिलसिला भी बंद नहीं हुआ है। लगातार नए स्कैंडल्स की जानकारियां लोग दे रहे हैं, इसलिए हर मंडल में भी हर जिले में भी स्थानीय तौर पर भी चार्जशीट तैयार की जाएगी। इस दौरान उनके साथ रविंदर रवि भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।